Hello. Assalam-o-Alaikum, Assalam-o-Alaikum, Ahlan wa Sahlan, Marhabaat, Jee Anup, Khair Wa And a very good morning to all of you Well, Jana, this is me, none other than Chirpy and Crispy Live and loud, Hori and Oriya, Isha Malik hai aap saath, aap ka humara saath Rehta hai every Monday to Saturday, subh 11 baje se leke, dupahar 1 baje ta And the show is called Talk of the Town So today is uh, Wednesday, aur aaj 21 tarik ho chuki hai June की और जिलहज की आज दो तारीख उम्मीद है कि आज के दिन में आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अच्छे मूड और मिजाज के साथ मेरे साथ होंगे और ट्यून इन कर लिया होगा आपने मेरा एफ एम वन ओ सेवन फोर सो आज के दिन की अगर बात करते हैं तो आज लाहौर में तो शदीद गर्मी है शदीद 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 गर्मी और ऊपर से सोने पर सुहागे वाली बात यह है कि आ, गर्मी तो है ही बट गर्मी में लोड शेडिंग और आ, बार बार लाइट का जाना और लाइट जब जाती है तो जाहिर सी बात है फिर गर्मी की शिद्दत का एहसास आपको ज्यादा होता है लेकिन यह है कि अगर आप घर पे हैं तो फिर तो आप किसी न किसी तरह से मैनेज कर ही लेते हैं लेकिन अगर आपको कामकाज पे जाना पड़ता है और आपको रेडी होना पड़ता है सो उसके लिए जरूरी है कि फिर लाइट हो लाजमी तौर तो पर और स्पेशली खातन जो कि जब लाइट नहीं होती तो बहुत ज्यादा यू नो उनको परेशानी होती है बात बातें उन्हें तैयार होना होता है तैयारी में बहुत सारे लवाजमात होते हैं So, आज जाहिर सी बात है जब मैं उठी हूं तब भी लाइट नहीं थी और थोड़ी देर के लिए लाइट आई उसके बाद फिर लाइट चली गई और देन मुझे इस कदर शदीद एहसास हुआ कि यार आपके पास कुछ ना कुछ पोर्टेबल ऐसा हो कि आप अगर लाइट ना हो और लाइट की आपको जरूरत हो तो आप उस एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए यू um, नो you know, अपने आप को ईज में लेके आ सके, स्पेशली तैयार होने के मामले में क्योंकि जब आपको मेकअप करना होता है तो मेकअप करते करते आपको इतनी ज्यादा स्वेटिंग हो जाती है कि आपका दिल चाहता ही नहीं है कि आप मेकअप करें और आज लिटरली मुझे कार में बैठ के मेकअप करना पड़ा सीरियसली सो इट्स ओके इट्स कंप्लीटली फाइन अगर uh, लाइट नहीं है और आप के पास कोई एक जुगाड़ है वैसे तो पाकिस्तानियों के पास हर मामले के लिए जुगाड़ है सो so, मैंने सोचा कि यार आज कार्बे बैठ के मेकअप कर लिया जाए तो मैंने जनाब आराम से सुकून में बैठ के आ, कार में आज मेकअप किया है सो आई होप कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा और आपकी आज की जो स्टोरी है वो कोई ऐसी नहीं होगी अन यू सी आ, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट हुआ मेरे साथ तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर होना चाहिए कि यार गर्मी है और ऊपर से सोने पर सुहागा ये कि लाइट नहीं होती प्लीज बिजली वालों <laughs> थोड़ा सा रहम करो ऊपर से ईद भी है और ईद कुर्बान क्योंकि इसमें आप जब गोश्त आपके हिस्से का होता है जैसी बात है इसके तीन हिस्से होते हैं गोश्त के जो एक हिस्सा आपका होता है उसको आपने कहा रखना है जैसी बात है फ्रीजर में रखेंगे जब डी फ्रीजर बिजली नहीं होगी वो काम नहीं करेगा चलेगा नहीं तो फिर यू नो प्रॉब्लम तो होगी सो uh, so, उम्मीद है कि ईद पर कम से कम लाइट जरूर होगी सो uh, so, इसी नोट के साथ uh, मैंने तो अपनी स्टोरी सुना दी है कि मेरे साथ क्या हुआ uh, अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी सुनाना चाहते हैं यू आर मोर देन वेलकम और uh, अभी के लिए uh, मेरे पास uh, कुछ जबरदस्त से ट्रैक्स हैं और uh, मैं सोच रही हूँ एक गाना जिसको मैं कल से बल्कि प्ले करने के मूड में हूं चले आज मैं कोशिश करूंगी कि उसको भी प्ले करूं सो uh, so, फिलहाल तो हम बदनामियों को ही सुन लेते हैं वो कहते हैं ना कि बदनाम न हुए तो क्या नाम न होगा समथिंग लाइक दैट वेलकम बैक वन से गैन इलेवन ट्वेंटी वन ऑन द डायल मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह ग्यारह बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक और जनाब कुछ बात कर लेते हैं आज के दिन के हवाले से अहम 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 अपडेट के बारे में सो uh, so, um, वजीरजम आज फ्रांस जाएंगे और एम डी आई एम एफ से मुलाकात जो है वह एक्सपेक्टेड है और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि वजी अजम का जो सिंध में शराब से, से मुतासरीन है उनके लिए पच्चीस अरब रुपये देने का वादा और इसके साथ पाकिस्तान एल एन जी की पेशकश हासिल करने में नाकाम और मौसम सरमा में गैस की किल्लत का खदशा रहेगा वैसे मौसम सरमा में गैस की किल्लत होती तो है लेकिन मौसम गर्मा में भी है यार मतलब सीरियसली अभी चूंकि गर्मी है और मुझे पता है हमारे एरिया में बहुत सारे लोग हैं जो कम्प्लेन करते हैं और इवन हमारे घर में भी ये कंप्लेन है कि यार गैस जो है वो स्टिल उसकी लोड शेडिंग हो रही है और उम्मीद है कि कम से कम मौसम गर्मा में तो गैस की लोड शेडिंग का मामला ना ही हो तो ज्यादा बेहतर है आ, सो दिन में थोड़ी बहुत अगर आप नींद अपनी पूरी कर ले एक आध घंटे के लिए सो कहा यह जाता है कि ये दिमागी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है मतलब आप अगर दिन में एक आध बार नैप ले लेते हैं तो उससे आपकी जो दिमागी सेहत है वो बहुत बेहतरीन हो जाती है ओके और इसके अलावा मैं रोनाल्डो के बारे में आज बात करूंगी क्योंकि आ, आज वो काफी ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं क्योंकि उनका नाम गिने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की जीनत बन चुका है और जाहिर सी बात है रोनाल्डो के पूरी दुनिया में फैन है दुनिया भर के लोग जो है वो उनको एक्नॉलेज करते हैं उनको पसंद करते हैं उनके काम और उनकी पर्सनालिटी को सराहते हैं सो so, इस चीज को अप्रिशिएट करने के लिए गिन्हे इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो एक मामला है वो भी अब हुआ है सो so, इस पर आगे चलकर बात करेंगे और आ, इसके अलावा कुछ आज मौसम की सूरत हाल तो मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में ही बता दी कि यार आ, मौसम काफी शदीद गर्म है और आ, सिर्फ यही नहीं बल्कि गर्मी की वजह से जब आप आ, आ, इस चीज को भी फेस करे होते हैं कि यार लोड शेडिंग हो रही है और ज्यादा देर के लिए हो रही है मतलब आप रात में सोते हैं तो रात में लोड शेडिंग दिन में अगर आपको कोई काम करना है तो दिन में लोड शेडिंग So, uh, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जिसकी वजह से आप लोड uh, शेडिंग की कंप्लेन ना करें uh, खैर uh, उम्मीद है कि uh, शायद इस पर कुछ बेहतर हकमत अमली अपनाई जाए और कम टाइम uh, के लिए लोड शेडिंग अगर होनी भी है तो कम टाइम के लिए हो सो so, ईद uh, जो चूंकि करीब है अगली uh, जो थर्सडे है उसको एक्सपेक्टेड है कि ईद उजी है और uh, जनाब छुट्टियों की बात अगर करें तो हमेशा जब ईद का मामला होता है ईद का मौका होता है तो छुट्टियों की बात की जाती है कि यार छुट्टियां जो है वो कितनी होंगी आ, क्या लॉन्ग वीकेंड है और अगर लॉन्ग वीकेंड नहीं भी है तो पाकिस्तानी लॉन्ग वीकेंड मना लेते हैं सो so, जनाब इस दफा जो है वो उनतीस जून बरोज जुमेरात से आ, तीस जून बरोज जुमा और यकम जुलाई बरोज हफ्ते को मुल्क भर में चूंकि ईद की तातीलत होंगी और आ, तो ये भी आपको बताती चलूं कि हम लोग चूंकि उनतीस तारीख को ईद मना रहे हैं दैट मीन के थर्सडे से और एक्सपेक्टेड है कि 28 से छुट्टियां शायद हो जाए अट्ठाईस को होनी तो चाहिए आ, लेकिन आ, कुछ सूरत हाल नजर नहीं आ रही है ऐसी कि अट्ठाईस को छुट्टियां हो जाएंगी लिहाजा उनतीस से लेकर फर्स्ट ऑफ जुलाई तक आ, की छुट्टी जो है वो एक्सपेक्टेड है दैट मीन के वो लोग जिनको ऑलरेडी वीकेंड पे छुट्टी होती है सो so उनके लिए तो छुट्टी जो है वो ना होने के बराबर है सो थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे Uh, की छुट्टी जो है वो एक्सपेक्टेड है ओके okay. सो so, uh, देखते हैं कि इस दफा आप लोग क्या जुगाड़ लगाते हैं कि वीकेंड जरा लंबा हो जाए मतलब अगर आप अपने होम टाउन जाके कुर्बानी करने के मूड में है तो फिर तो डेफिनेटली आप 28 की छुट्टी मारने के मूड में होंगे <laughs> लेकिन आ, वो लोग जिनका काम का जो आ, आ, काम की सूरत हाल ऐसी है कि वो छुट्टी नहीं कर सकते आ, सो वो तो बेचारे रोएंगे सीरियसली और कुछ लोग शायद वर्क फ्रॉम होम को भी मेक श्योर sure करेंगे चलो यार हम छुट्टी कर लेते हैं लेकिन घर पे बैठ के गर्मी है घर पे बैठ के काम कर लेंगे लेकिन ये भी तो देख लेना अगर घर पे जनरेटर नहीं है तो फिर आपका काम सफर होगा लिहाजा सोच लीजिए कि आपको किस तरह से मैनेज करना है आ, सो इसके अलावा रिटायरमेंट पर सरकारी मुलाजमीन को एक साल तक तनख्वाह मिलती रहेगी अच्छा uh, इस पर भी बात करेंगे वैसे इंक्रीमेंट्स के बारे में कल मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूं बट अभी के लिए तो चले सुन लेते हैं एक ट्रैक इसके बाद ब्रेक ब्रेक के बाद ये गाना जो है वो जरा मैं पॉज करती हूँ इस गाने को ब्रेक के बाद प्ले करते हैं सो so, फिलहाल के लिए चले अच्छा जो गाने मुझे नहीं प्ले करने वही गाने मेरी आ, लिस्ट में अभी आ रहे हैं तो चले मैं कुछ और ऑप्शन उप्ष, ढूंढती हूँ चले इस गाने को प्ले करते हैं इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन वेलकम बैक वंस अगेन वेल हर बंदा जो है वो गर्मी की कंप्लेन कर रहा है नो no डाउट अभी एक दो रोज से गर्मी की शदत में बहुत ज्यादा शदीद इजाफा हुआ है और प्लीज इस सिचुएशन में मैं यही कहूंगी कि अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाएं पानी का इंटेक बहुत ज्यादा रखें और कोशिश करें कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें क्योंकि गर्मी है समझ में आता है आपका दिल चाहता है कि यार कुछ ठंडा या बर्फ हो और उस सिचुएशन में फिर आपका गला भी डिस्टर्ब हो सकता है और वैसे भी ठंडा पानी आपकी सेहत के लिए कोई इतना खास अच्छा नहीं है सो uh, नॉर्मल so, पानी पिए uh, और बाकी यह है कि अगर गर्मी में आपका दिल जाता है शेक्स पिए डिफरेंट जूसेस पिए फिर बाद में यह कंप्लेन मत कीजिएगा कि यार मैंने तो पानी बहुत ज्यादा पिया है लिक्विड बहुत ज्यादा पिया है ये मेरा वेट कहां से बढ़ गया सो so, uh, जाहिर सी बात है जब आप मीठा खाएंगे मीठा पिएंगे तो वेट तो बढ़ेगा लिहाजा कोशिश करें कि आप फ्रूट को उसको आ, अगर उसकी असल हालत में खा लें तो वो ज्यादा आपको फायदा मंद भी आ, लगेगा और उसका फायदा तो मिलेगा ही पार्ट ये है कि आपका जो एक वेट को लेके मामला है वो भी फिर आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे खैर जनाब पंजाब हुकूमत ने कहा है कि रिटायरमेंट पर सरकारी मुलाजमान को एक साल तक तनख्वाह मिलती रहेगी और आ, सेक्रेटरी खजाना ने बताया है कि पहले रिटायर होने वाले जो मुलाजमी है उनकी तनख्वाह उनकी रिटायरमेंट के आ, दिन से बंद कर दी जाती थी जिसके बाद उन्हें एक से डेढ़ साल का अर्सा पेंशन के दस्तावेजा की तैयारी में लगता था So, इस दौरान उन्हें तनख्वाह मिलती आ, आ, नहीं थी और ना पेंशन मिलती थी आ, लेकिन महिला खजाना पंजाब हुकूमत की मंजूरी से एक नोटिफिकेशन जारी आ, कर रहा है जिसके बाद रिटायर होने वाले मुलाजमीन को अपनी रिटायरमेंट के एक साल बाद तक तनख्वाह का सिक्सटी फाइव परसेंट हिस्सा मिलता रहेगा सो दैट्स अ गुड न्यूज कि अगर आप रिटायरमेंट के बाद यू you नो know, पेंशन के जो भी मामला हैं उसके लिए आपका एक टाइम लगता है सो so, उस टाइम के दौरान जब आपके पास पैसे नहीं आ रहे होंगे तो आपका सर्कल थोड़ा टाइट हो सकता है सो so, उम्मीद है आ, कि एक तो आप सेविंग आ, के मामले को भी मेक श्योर करते होंगे चाहे आपकी सैलरी थोड़ी है ज्यादा है अगर आप उसकी सेविंग करते हैं थोड़ी थोड़ी बहुत भी सेविंग करते हैं तो आपको सीरियसली बहुत अफाका होगा आ, और ऐसी सिचुएशन जिसमें कहीं से कुछ पैसा नहीं आ रहा तो आप यू नो Uh, कुछ ना कुछ तरीके से मैनेज कर ही लेते हैं सो so, वो लोग जिनको सेविंग की आदत नहीं होती उनको होता है कि सैलरी आई है या फिर पैसे कहीं से भी आए हैं सो uh, so, घर की ये चीज लेनी है वो चीज लेनी है सो so, जो भी जरूरतें हैं वो आप पूरी कर लें uh, बाद में uh, देखी जाएगी सो so, सेविंग एक बहुत अच्छी आदत है और uh, मेरा ख्याल है कि हर इंसान में ये आदत होनी चाहिए कुछ लोग शायद आ, इस आदत से महरूम होते हैं उन्हें पता नहीं चलता कि यार आ, हम किस तरह से सेविंग करें सो आप कोशिश करें कि अपने घर में कोई एक ऐसा बंदा जरूर देखें कि जो आप आपकी सेविंग कर सके आपको पुश कर सके कि आप आ, को किस तरह से आ, सेविंग जो है उसके लिए आ, पैसे थोड़े बहुत साइड पे रखने हैं अगर आप अपने पास नहीं रख सकते क्योंकि आपके हाथ में खारिश होती रहती है क्योंकि आपके पास पैसे है आपको जाके कुछ ना कुछ खरीदना है सो कोशिश करें कि आप घर में कोई एक ऐसा फर्द हो जो आपको पुश करे और आपकी सेविंग में आपको हेल्प करे सो इससे सीरियसली बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा और वैसे भी जो आजकल की सूरत हाल चल रही है इसमें सेविंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है चाहे आप की सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी है या कम अच्छी है या नॉर्मल है या फिर आपका बिजनेस है इवन बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि आप के पास सेविंग होनी चाहिए अपनी पर्सनल जो जरूरियात है उनके लिए और ऐसी बात है जो भी मामला हैं वो फिर आप उनको अपने अकॉर्डिंगली ही मैनेज करेंगे या देखेंगे लेकिन वो लोग जो सीरियसली सेविंग के मामले में जरा बहुत ज्यादा हल्के हैं कह सकते हैं सो उनके लिए ये जरूरी है कि वो कोशिश करें कि इस आदत को अपनाएं अगर आप बचपन से ही इस तरह की आदत में हो कि आपको यू नो मनी बॉक्स की आदत हो छोटे छोटे मनी बॉक्स या गला जैसे कहते हैं सो so, उसकी अगर आपको आदत हो आप उसकी मदद से भी ये आदत अपने अंदर यू नो बच्चों में आ सकती है सो so, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल यू नो उनकी छुट्टियां हैं और छुट्टियों की वजह से वो घर पे हैं और वैसे तो मुझे ये लगता है कि बच्चों को पैसे की आदत नहीं डालनी चाहिए लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में सेविंग की आदत आए और उसकी उसको ये पता हो कि जो पैसे हैं वो सिर्फ सेव करते हैं उनसे चीजें नहीं खरीदते चीजें जो है वो मम्मी डैडी आपको खरीद के देंगे आ, सो अब ये आप आदत अपने बच्चे में बिल्डअप कर सकते हैं और मनी बॉक्स आजकल वैसे तो बहुत क्यूट क्यूट मिलते हैं अगर आप मार्केट जाएं आपको नजर आएगा यू नो डिफरेंट डिफरेंट तरह के मनी बॉक्सेस हैं अगर आपके घर में बॉयज हैं या गर्ल्स हैं तो हर तरह के आपको टॉयज uh, uh, मिल जाते हैं सो so, इसी तरह मनी बॉक्स भी आपको तरह तरह के यू नो कार्टून कैरेक्टर्स के साथ मिलते हैं सो so, आप अट्रैक्शन देने के लिए अपने बच्चे के जो फेवरेट कार्टून uh, कैरेक्टर है उसके साथ आप यू नो प्ले कर सकते हैं किसी तरह से उसकी साइकी से खेल सकते हैं से उम्मीद है कि आप इस चीज को मेक शेयर करेंगे और दूसरा ये कि अभी मेरे पास कुछ और मजीद म्यूजिक है म्यूजिक के बाद आपको डेफिनेटली करेंगे ज्वाइन और इसके बाद ब्रेक है ब्रेक के बाद डेफिनेटली कुछ मौसम के हवाले से बात करेंगे वेदर अपडेट में आज मौसम कैसा रहने वाला है मुल्क के बेशतर हिस्सों में आपको बताऊंगी वेदर अपडेट में All right, वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम के second हाफ में खुश आमदीद आप सब लोगों को उम्मीद है कि आप नेट यूनियन अगर तो कर लिया है वन ऑफ सेवन पॉइंट फोर तो डेफिनेटली मेरा आपका साथ uh, एक बजे तक है और इस साथ में आप uh, के लिए मैं कोशिश करूंगी कि वो सब कुछ uh, लवासमात हो जिससे आपका आज का दिन जो है वो खूबसूरती के साथ गुजर सके या कोई एक अच्छी बात आपके दिल को लग सके जिसकी वजह से आप अपने दिन के हवाले से बहुत ज्यादा यू नो एक्साइटेड रहें सो जनाब मौसम की बात की थी आज आ, के दिन में मुल्क के बेशर हिस्सों में मौसम की सूरत हाल Uh, कैसी रहने वाली है वह तो अपडेट में देख लेते हैं सो so, इस्लामाबाद में थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम फोर्टी डिग्री मिनिमम थर्टी नाइन एंड ह्यूमिडिटी लेवल फोर्टी फाइव परसेंट लाहौर में थर्टी सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम फोर्टी टू मिनिमम थर्टी वन एंड ह्यूमिडिटी लेवल फोर्टी नाइन परसेंट और सियालकोट में थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम थर्टी नाइन मिनिमम थर्टी डिग्री एंड ह्यूमिडिटी लेवल फिफ्टी सेवन परसेंट सो बाई द वे मंडे से ऑनवर्ड्स बारिशें हैं और ईद के फौरन बादजैक्टली और बारिशों के साथ उम्मीद है कि मौसम जरा बेहतर हो जाएगा और सूरत हाल जरा बेहतरीन अगर हो जाए तो क्या ही बात है सो uh, so, जनाब पोर्चुगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियनो रोनाल्डो ने दो सौ दो सोवा बैन मैच खेलने के साथ ही गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया है अच्छा उर्दू में कुछ चीजें बड़ी आ, मतलब अजीब तरीके से लिखी होती हैं एनी हाउ सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में बात करें तो ट्वेंटी uh, ट्वेंटी फोर के क्वालिफायर मैच में पोर्चुगल की नुमाइंदगी की और सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेलने का एजाज चुके उन, उन्होंने हासिल किया और इसी बेस पर uh, रोनाल्डो uh, का uh, जो है वो ये कारनामा सर अंजाम देने पर गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया है सो कंग्रेचुलेशन्स टू रोनाल्डो और रोनाडो के जितने भी फैंस हैं उनके लिए भी ये जाहिर सी बात एक बड़ी अच्छी न्यूज है कि uh, उनके स्टार फुटबॉलर जो है वो uh, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेलने में कामयाब हुए जिसकी बेस पर उनका नाम जो है वो गिनेस बुक आ, में दर्ज कर लिया गया है सो दैट्स अ गुड न्यूज बाय द वे अभी एक और ट्रैक uh, और इसके बाद डेफिनेटली uh, uh, करेंगे आपको ज्वाइन लेकिन कमर्शियल ब्रेक के उस पार वेल जनाब जहाँ पर हम महंगाई की बातें करते हैं uh, मुल्क भर में चूंकि महंगाई तो है और uh, जब फ्यूल प्राइसेस ज्यादा हो जाते हैं तो फिर uh, तो ना ही पूछें कि क्या सूरत हाल होती है बहरहाल uh, डॉलर हमारे साथ uh, uh, काफी ज्यादा गेम्स you know, uh, uh, खेलता है और uh, कभी तो ऐसी गेम्स खेल जाता है कि जो हमने शायद uh, चाल सोची नहीं होती लेकिन दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर महंगाई है और स्पेशली Uh, अभी वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आदादोशुमार जारी किए गए हैं जिसके अकॉर्डिंगली ये पता चला है कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान से भी ज्यादा है और सबसे ज्यादा अगर कीमत की बात करते हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल जो है वो हांगकांग में टू डॉलर फी लीटर है जो कि पाकिस्तानी रुपये में अगर कन्वर्ट किया जाए तो एट फिफ्टी टू रुपीज फी लीटर बनता है पाकिस्तान से तीन गुना ज्यादा है दो गुना ज्यादा है ओके सो आइसलैंड में पेट्रोल जो है वो सिक्स सेवेंटी टू uh, पाकिस्तानी रुप फी लीटर है जबकि इंडिया में पेट्रोल की पाकिस्तानी रुपए में कीमत जो है वो थ्री थर्टी सिक्स रुपए फी लीटर है और पाकिस्तान में फी लीटर uh, पेट्रोल जो है वो टू सेवेंटी थ्री है और जबकि रूस में एक लीटर पेट्रोल जो है वो वन एटी फोर और सऊदी अरब में वन सेवेंटी एट पाकिस्तानी रुपी है और वेनेजला में पेट्रोल जो है वो फाइव पॉइंट सेवन फाइव रुपीज पाकिस्तानी रुपीज यस फी लीटर है दैट मीन के वेनेसवेला में बंदे को रहना चाहिए अगर आपका ट्रैवल का शौक है या आपको लगता है कि यार आप दुनिया घूमना चाहते हैं तो फिर आपको कहीं कुछ स्टोर ऐसा करना चाहिए कि आप वेनेसवेला जाएं घूमे फिरें विसला की खूबसूरती को देखें इंजॉय करें फिर यू you नो know, अच्छा खासा पेट्रोल जो है वो स्टॉक करें फिर वहां से कहीं और निकल जाए यू you नो know, अपनी जो भी जरूरत है उसके अकॉर्डिंगली लेकिन गुजशत दिनों वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने दुनिया में महंगाई के हवाले से सर फहरिस्त जो ममालिक उनके नाम जारी किए थे जिसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो महंगाई की शरह के, के हवाले से दुनिया में छठे नंबर पर आता है दैट मीन के पाकिस्तान का नंबर वन पे नहीं है नंबर इस हवाले से तो ना ही आए नंबर वन पे तो अच्छी बात है लेकिन वैसे जिस हवाले से आना चाहिए वो अगर आ जाए तो क्या ही बात है लेकिन जनाब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि पेट्रोल जो है वो हमारे यहां बहुत महंगा है दुनिया में चीजें सस्ती हो रही हैं और यहां पर पेट्रोल महंगा हो रहा है लेकिन ये अगर आपको पता है कि हांगकांग में सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा है और सबसे ज्यादा सस्ता जो है वो मिनसवेला में है आ, तो फिर आप यू नो हैंडल कर लेंगे लोगों की बातों को हैंडल करना आसान होगा आपके लिए बट ये है Uh, कि हम uh, इस सिचुएशन में सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं वो ये कि uh, थोड़ा सा अपने आप को सब्र के साथ इस सिचुएशन को डील करने के लिए पुश कर सकते हैं uh, खैर ये तो मजाक की हद तक बात की है कि <laughs> पेट्रोल को लेकर क्या क्या आ, सूरत हाल है लोगों की सोच क्या है लोगों की थॉट्स क्या है बट यू नो सीरियसली ये बात uh, सच है कि बल्कि जो सूरत हाल है उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार है और हम हमें एक चीज ये भी आ चुकी है कि हम सुनते कम हैं बोलते ज्यादा हैं ये अलग बात है कि मेरा काम बोलने का है और आप मुझे सुन लेते हैं सो आई एम हम्बली थैंकफुल फॉर दैट लेकिन द थिंग इज जब कभी आपके पास कोई आता है जब कभी आपसे कोई हेल्प नहीं मांग रहा लेकिन वो आपसे कुछ कहना चाहता है तो प्लीज लिसन टू दैट पर्सन जब हम दूसरों को सुनते हैं तो हमें हमारा दिमाग खुलता है और हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे उसके सवालत के जवाब आते हैं जो शायद उसको नहीं मिल रहे होते लिहाजा अगर हम दूसरों को सुनने की कोशिश करें तो इससे हमारा दिमाग भी खुलेगा और दूसरों के लिए आसानी का मामला भी हम मेक श्योर sure कर सकते हैं सो बाय द वे अभी के लिए मेरे पास एक ट्रैक और उम्मीद है कि आप मुझे अगर सुनते हैं तो सुनने के साथ आपको कोई ना कोई ऐसी चीज ऐसा सोल्यूशन जरूर दिन भर के लिए मिलता होगा कि जो आपको लगता है कि यार हाँ ये बात जो है वो दिल को लग गई है ये बात जरूरी थी कि अगर पर जरा गौर करें तो फायदा हो सकता है तो चलें अगर मेरी बातों से कहीं किसी जगह पर आपको फायदा नजर आता है तो प्लीज उस फायदे को भरपूर तरीके से इन्जॉय करें वेलकम बैक वंस अगेन वेल आई एम श्योर कि ये गाना आपको बहुत पसंद आया होगा uh, वैसे भी गर्मी है गर्मी में अगर इतनी प्यारी आवाज सुनने को मिल जाए तो यू you नो know, वो एहसास आपका जरा आयशाय हो जाता खैर जनाब अगर आप बहुत बेहतर फील करना चाहते हैं बहुत ज्यादा यू नो अपने आप एक्टिव रखना चाहते हैं तो ये माहरीन कहते हैं कि आप दिन में एक आध दफा अगर नैप ले लेते हैं तो ये चीज आपके काम को भी बेहतर करती है और दूसरा आपकी जो दिमागी सेहत है उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा एक बेहतरीन प्रैक्टिस है सो so, वो अफराद जो तीस साल से ऊपर हैं सो uh, so, उनकी uh, काम की जो एफिशिएंसी है मैं चैलेंज नहीं कर रही बट uh, जो संभाव उन uh, लोगों की नस्बत जरा uh, कम हो जाती है जो ट्वेंटीज में होते हैं या यू नो टीन्स में होते हैं सो uh, so, अगर आप चाहते हैं कि आप यंग uh, भी रहें एनर्जेटिक भी रहें और यू uh, नो you know, आपको uh, काम का लोड इफेक्ट ना करे, सो उसके लिए जरूरी है कि दिन में कोई एक आध टाइम में आप कोशिश करें कि अपनी आंखों को अपनी दिमाग को अपनी जो अ, अ, असाब है, उनको सुकून देने के लिए थोड़ा सा नैप ले लें वैसे तो जापान में आ, एक कंपनी है जहां पर मैंने शायद आपके साथ ये चीज शेयर की थी सो uh, so, वो अपने एम्प्लॉज को लंच ब्रेक के साथ साथ नैप ब्रेक भी देती है और बहुत सारा और भी हैं जो इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं सो uh, so, अगर हमारे यहां भी इस चीज को uh, अंडरस्टैंड किया जाए सबसे पहले तो हमारे यहाँ इस बात को अंडरस्टैंड किया ही नहीं जाता कि दिमागी बीमारी भी हो सकती है दिमागी मसला भी हो सकता है अगर आपको दिमागी मसला होता है तो आपको यह कह दिया जाता है कि आप तो पागल हैं लेकिन एक्चुअली इस सिचुएशन में अगर हम आ, समझ जाएं कि यार अगर एक बंदा सफर कर रहा है किसी प्रॉब्लम में है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन हो कि लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप दिमागी तौर पर बहुत अच्छा फील करें आपकी जो सिचुएशन है ज्यादा आ, काम की वजह से वो जरा पथेटिक हो जाती है तो सम हाउ आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है तो आप अपने असाब को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए मेडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं so, सो मेडिकेशन के अलावा अगर आप आ, सिर्फ रेस्ट कर लें दिन में आ, एक आध घंटे के लिए तो ये चीज आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है और आपके काम के लिए भी अच्छी है सो so, इसको मेक श्योर sure करने में कोई आपको पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे कोई आपको ऐसे कष्ट नहीं करने पड़ेंगे कि आप ये कहेंगे अच्छा यार ये मुझसे नहीं होगा सो uh, ट्राई so, uh, uh, कर लेने में कोई हर्ज नहीं है सो बाय द वे आज का जो दिन है uh, आज चूंकि First of uh June or आज का दिन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि बेनज़ीर भुट्टो की आज सत्तरवीं सालगिरह है और इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनजीर भुट्टो शहीद की आज चूंकि सालगिरह है तो उसको मनाया जा रहा है और इनफैक्ट इस्लामी दुनिया की ये पहली खातून वजीर आजम होने का एजाज भी उनको मिला था बल्कि मिला है सो uh, so, चूंकि वो 21 जून uh, 1953 uh, में कराची में पैदा हुई, हुई और 1973 में उन्होंने यू नो ग्रेजुएशन अपनी मुकम्मल की और इसके बाद फिर वो अपने फादर के साथ और ज्यादा पॉलिटिक्स में एक्टिव रही सो uh, so, uh, ये एक बड़ी बात है कि उन्होंने वतन जब वो वापस आएंगी तो वो बहुत ज्यादा साबित कदम अपने आप को रखने के लिए बड़े खुशगवार मूड के साथ पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें दोबारा से कदम रखा और आ, फिर आपको पता ही है कि क्या हुआ आ, लेकिन बहरहाल यही एट द एंड बात करूंगी कि आ, उनको जो फॉलो करते थे और आ, उनको जो आ, पॉलिटिक्स में लेकर समझते थे कि वो एक बहुत बेहतरीन पॉलिटिकल पर्सनालिटी है आ, सो ज़ाहिर सी बात है वो इस चीज को आज भी मिस करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं सो उनके लिए दुआ नो no डाउट हम सब लोग करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जा बुलंद फरमाए और आ, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश की है और अपने, सी बात उनकी फैमिली जो है वो पूरी पॉलिटिक्स में है और आ, बेसिकली आ, उनके नाम पे ये बात जुड़ती है कि यू नो आ, इस्लामी दुनिया आ, के हवाले से अगर बात करते हैं तो ये पहली खातून वजी आजम उन्हें का एजाज उनको मिला है तो किसी वजह से ही मिला है सो आ, उनके लिए बहुत सारी दुआएं और केक काटने के बजाय अगर हम उनके लिए दुआ करें उनके दर्जा बुलंद करने के लिए अल्लाह ताला से अल्तजा करें तो ये एक बहुत बेहतरीन तोहफा है जो हम उनको दे सकते हैं सो so, फिलहाल के लिए मेरे पास अभी एक और ट्रैक है इस ट्रैक के बाद कमर्शियल ब्रेक अब फिर आपको करते हैं जो स मोर म्यूज लेट वेलकम बैक वंस अगैन वेल अब चुके जाने का वक्त आ चुका है और मैं तो चिल्ड स्टूडियो में बैठी हूँ आई नो आप इस वक्त गर्मी को प्रदाश करें सो so, प्लीज uh, uh, मैं आप सब से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि uh, गर्मी चुके बहुत ज्यादा हमने आज पूरा शो गर्मी पे ही कर दिया है सो uh, so, अपने आपको uh, dehydration से बचाए पानी का इंतक बहुत ज्यादा रखें और uh, हो सके तो लेमिनेट का इस्तेमाल कर लें तो वो ज्यादा आपको बेहतर रहेगा क्योंकि जाहिर सी बात है स्वेटिंग में आपकी बॉडी से नमकियात निकल जाते हैं तो उसको पूरा करने के लिए अगर आप अपने इलेक्ट्रोलाइट जाहिर सी बात है पूरा करने के लिए अगर लेमनेड पीते हैं तो उससे आपको एनर्जी भी मिलती है फ्रेशनेस भी आती है और गर्मी की शिद्दत का जो एहसास है वो भी कम होता है सो जनाब मुलाकात होगी अब आपके साथ कल सुबह ग्यारह बजे तब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा आप uh, सो so, उम्मीद है कि कल के दिन में जरा अच्छा मौसम होगा और uh, मुलाकात होगी सो so, मिलते हैं अब कल तब तक के लिए देखिए अल्लाह हाफिज अल्लाह के एंड खुदाई पमान